नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा गांधी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट गीतांजलि फर्टिलिटी सेंटर। आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के बारे में, यानी कि PCOD। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और यंग लड़कियों में ज़्यादा होती है। जनरली हमारे पास पेशेंट कंप्लेंट लेकर आते हैं कि पीरियड रेगुलर नहीं है, चेहरे पे अनचाहे बाल आ रहे हैं, वजन बढ़ रहा है और कील मुहासे हो रहे हैं, और साथ ही साथ उनको प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही। इनमें से कोई भी अगर 2 या 3 लक्षण होते हैं तो उनको हम PCOD का लेबल देते हैं। जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है, हम सबसे पहले उनकी जांचें करते हैं। जांचों में इंक्लूड होता है उनके हार्मोन के टेस्ट, जैसे कि LH, FSH, टेस्टोस्टेरोन और AMH। अगर LH और FSH की रेशो ऑल्टर हो गई है, यानी कि उल्टी हो गई है, और AMH उनका बहुत बड़ा हुआ आ रहा है और टेस्टोस्टेरोन भी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आ रहा है, तो हम उनको PCOD बोलते हैं। और सेकेंड जांच जो हम करते हैं वो होती है सोनोग्राफी की। सोनोग्राफी में एक टिपिकल पैटर्न आता है अंडेदानी में, जिसको हम बोलते हैं नेकलेस पैटर्न। जितने भी फॉलिकल्स होते हैं वो सारे बाहर की तरफ, पेरिफरी की तरफ, यानी कि वो बाहर अरेंज होते हैं एक नेकलेस की तरह, एक माला की तरह। अगर जो ये सिम्टम्स जो पेशेंट लेकर आता है और सोनोग्राफी और टेस्ट वगैरह जो हम करते हैं ये सारे मैच करते हैं, तभी हम पेशेंट को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में लेबल करते हैं। जब पेशेंट इसमें लेबल हो जाता है तो उसको हम ट्रीटमेंट प्लान में 3 तरह से कर सकते हैं, या तो मेडिकल मैनेजमेंट, या फिर उसको हम लैप्रोस्कोपिक मैनेजमेंट, और अगर ये नहीं होते तो उसको हम टेस्ट ट्यूब के लिए लेते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में कुछ दवाइयाँ देते हैं, कुछ हार्मोन की टैबलेट देते हैं और कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे उनका शुगर कंट्रोल करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उनका शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। काफ़ी पेशेंट्स को इसी से बेनिफिट हो जाता है। अगर इससे नहीं बेनिफिट होता तो हम एक लैप्रोस्कोपी में एक प्रोसीजर होता है जिसको हम बोलते हैं PCOD ड्रिलिंग, तो हम वो प्रोसीजर करते हैं और उसके बाद पेशेंट को हम IUI यानी कृत्रिमिक गर्भधान के लिए ले सकते हैं। पर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इन सब प्रोसीजर्स में नहीं सफलता प्राप्त करते, उनके लिए लास्ट ऑप्शन IVF ही बचता है। अपनी समस्याएं छुपाए नहीं, हमसे साझा कीजिए। गीतांजलि फर्टिलिटी सेंटर मुश्किल सफ़र में हम सफ़र बनकर है आपके साथ। थैंक यू।